आगे बढ़ते हैं। आज जिस पर्पस से हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसका टाइटल आप सभी लोगों ने देखा ही है कि क्या लिखा हुआ है, रिटेल सेल्स इन डिटेल्स। तो आज हम सब लोग रिटेल के अंदर सेल्स करने वाले लोग यहाँ पर इकट्ठा है, तो आज डिटेल में हम सीखने वाले हैं कि रिटेल में सेल्स कैसे हो। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने सेल्स फील्ड के अंदर तकरीबन एक साल बिताया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल बिताया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल बिताया, बहुत बढ़िया, कितने लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा मतलब 12 साल 15 साल से, ये सब अपनी बिरादरी वाले। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। आप कितने साल से सेल्स के अंदर जुड़े हुए हो मैटर नहीं करता है, लेकिन आज हम सब लोग सीखेंगे यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट और बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर आगे आपको शेयर करने वाले हैं जो डेटा आपको काम आने वाला है आपके ही सेलिंग में। लेकिन एक एक्टिविटी सबसे पहले अपने स्टार्ट करने वाले हैं, सभी लोगों को एक चीट प्रोवाइड कर देनी है जो लास्ट टाइम मैंने किसी को बोला हुआ है, सबके पास एक चीट आ गई है, सब लोगों को चीट के ऊपर अपना नाम और अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखकर मुझे दे देना फोल्ड करके, अगर लिंक लिया हो तो कृष्णा जी आप कलेक्ट कर लीजिए। क्या हमें पता है कि सेल्स के अंदर कस्टमर को लेकर कौन से थंब रूल होते हैं, आप लोग बता पाएंगे क्योंकि आप सभी लोग सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो कस्टमर को ध्यान में रखकर कौन से थंब रूल होते हैं सेल्स के अंदर, कोई मुझे बताएगा तो वर्क के एक्चुअल थंब रूल क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों ने समझी होगी या कहीं ना कहीं आपको पता भी होगी, लेकिन आज हम उसको जानने और समझने के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले थंब रूल के ऊपर मैं बात करूंगा, कस्टमर इज किंग, क्या मेरी बात को एग्री करते हो? यस। एक सीधा सवाल आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोगों की सैलरी कौन करता है? कुछ लोग सोचते हैं यार वो तो अकाउंटेंट करते हैं, अकाउंट वाले क्रेडिट डालते हैं। एक्चुअल में आप लोगों के लिए कस्टमर की है, उसका रीजन ये है कि कस्टमर जो पेमेंट अपने कंपनी को देता है वहां से आपकी सैलरी होती है, तो हमारे लिए जो किंग है, किंग मेकर जो है वो हमारे कस्टमर है। तो अगर एक कस्टमर किंग है तो उनकी हमें तैयारी कैसे रखनी चाहिए जब वो आते हैं, शानदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, तो क्या वो होती है? कुछ लोग हाँ बोल रहे, कुछ लोग सोच रहे, ओके ओके बढ़िया। सेकंड चीज यहां पर कंपनी अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, कंपनी के अंदर में जब हम काम कर रहे हैं तो हमें प्रॉमिस से ज्यादा हमें क्या देना है, बेस्ट डिलीवरी देनी, जिससे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है ना वो डिलाइट, और डिलाइट को दूसरी लैंग्वेज में कहा जाता है कि कस्टमर जब भी आपके वहां आए उसको वो फील करवाना है कि वो वाव फील करे, कि मजा, जब वो वाव फीलिंग उनके अंदर आएगा तो वो कस्टमर रिपीट होने के चांस बने। तो ये सेकेंड रूल हम बात करेंगे, You cannot assume that you know what the customer expects. हमें पहले से अस्यूम करके बैठना नहीं है कि ये कस्टमर यही चीज लेने वाला है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई इनका ठिकाना नहीं है, ये क्या लेकर जाएगा, और सबसे बड़ा भी उन्हीं का बनता है। तो कस्टमर को कभी भी प्री जज नहीं करना है, और वो प्री जज न करने के लिए कुछ काउंटर क्वेश्चन आप लोगों को पूछने हैं, और जब वो क्वेश्चन जब आप कस्टमर के साथ करोगे तब कस्टमर की नीड को आप एनालिसिस कर पाओगे। तो ये थर्ड वाला रूल है आप लोगों के साथ, कस्टमर जो एक्सपेक्ट करता है उसको कंटिन्यूस हमें बरकरार रखना रहेगा, क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है और कस्टमर की चॉइस भी जो है वो बदलती रहती है।
तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, हमारा एक बेसिक बेसमेंट जो हमने तैयार किया हुआ है उसको चेंज करते रहना, क्योंकि कस्टमर के डिमांड टाइम टू टाइम बदलती जाने वाली, चेंज होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बताओ, 5 साल पहले कस्टमर जो डिमांड करता था, क्या आज वो डिमांड कर रहा है? उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, चेंज हो गई है। तो क्या हमने सेल्स करने का जो तरीका 5 साल पहले सीखा था, क्या उस तरीके के अंदर अब हम अपडेट हुए हैं? अगर यस तो बढ़िया, अगर नहीं हुए तो उतना बढ़िया। कई बार हमारे नॉलेज से ज्यादा नॉलेज कस्टमर का होता है और वहां पर हम कस्टमर को बिट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता चल गया होता है साइलेंटली कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। Never, 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 never try and argue with customer. कई बार गलती ये हो जाती है, हम आर्गुमेंट में उतर जाते हैं और आर्गुमेंट करते करते हम जीत जाते हैं और हम ऐसा सोच लेते हैं कि आज तो मैं जीत गया। तो इतना याद रखना, कभी भी आर्गुमेंट में जब आप जीत जाओगे ना, तो एक्चुअल कस्टमर को आप दबा दो। ऐसा मान लेते हैं कि मैंने मेरी बात मनवा ली, लेकिन कस्टमर अंदर से मानकर बैठा है, बेटा कोई बात नहीं है, तेरा टाइम बाद में अपना भी आएगा। तो कभी भी हमें आर्गुमेंट्स नहीं करनी है, कहने का पर्पस ये, नहीं तो कस्टमर का हम लॉस करेंगे। क्या हम सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं? क्या हमारे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं शॉपिंग के दरमियान? क्या हमारे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं शॉपिंग के दरमियान? तो आप लोग मुझे शेयर करेंगे कि आपके बुरे एक्सपीरियंस कहाँ हुए और कैसे हुए, क्योंकि इंसान को दो चीज याद रहती है, एक अच्छी एक बुरी, एवरेज कुछ याद नहीं रहता। तो कोई बताएगा मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस आपका हुआ हो या आपने देखा हो? मेरा बताओ। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं सूरत से हूं, तो सूरत के अंदर एक रिटेल में मैं गया था और मुझे वहां पर परचेस करने थे कपड़े, और मैं और मेरी वाइफ हम साथ में गए थे, और मैंने खुला कर मुझे जींस देखा। अब सामने वाला इतना एक्साइटेड था, इतना एनर्जेटिक था कि उसने दिखाना चालू ही कर दिया, और चालू करते करते वो रुका ही। फिर 5 मिनट के बाद थोड़ी सांस लेकर मैं उसको बोला, भाई जींस मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे साथ जो आया है उनके लिए चाहिए। होता कई बार ये चीज हमें होती है कि जब हम कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए होते हैं तो प्रॉपर ढंग से हमें पार्किंग स्पेस नहीं मिलता, और वो पार्किंग वाला जो पर्सन होता है वो अपने आप को ठेकेदार समझता है वहां। तो हो गया बोलते हैं उधर मत लगा उधर लगा, और कस्टमर का इको होता है वो उधर ही खिसक जाता है, बोलता है मैं चला आगे पार करके आ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं कुछ खाने के लिए तो हम जाकर बैठे हैं, ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे हैं, हमारा नंबर ही नहीं आता, और जितना वेटिंग करते हैं उतनी भूख बढ़ती है, क्योंकि गए हुए होते हैं तो वहां पर स्मेल तो आती है लेकिन टाइम पर ऑर्डर नहीं आता। तो हुआ है ऐसे एक्सपीरियंस, कस्टमर जो डिसलाइक हमें करता है तो वो डिसलाइक करने की पीछे की वजह क्या है? तो कुछ हमारे ही आजू बाजू इर्द-गिर्द ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसी कुछ घटना हुई होगी कि जब हमें याद आता होगा कि ये वाला सेल्स इसलिए गया था कि इस बंदे की एक गलती हो गई, और बड़ी से बड़ी डील इसी के कारण स्किप हो जाती है। जब ऑर्डर फाइनल होता ही है, पेमेंट लेना ही होता है, और उसी टाइम पर एक मिस्टेक आ जाता है। तो हुआ है सबके साथ, 3 है, तो आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और उसी पर्पस से हम यहाँ पर आए कि हमें किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन हमें समझना है कि कस्टमर क्यों नहीं खरीदता है और कस्टमर के सामने एक सेल्स पर्सन की क्या गलती होती है।